हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी. स्टूडेंट बहुत स्वागत है आपका एग्जाम बी किस प्लेटफॉर्म पे टू प्रिपेयर 50% फास्टर. मेरा नाम है कैलाश तिवारी. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट बात जो नाबार्ड की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट के साथ तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि सर 2023 में एग्जामिनेशन दिया था या 2022 में दिया था, बट एक दिक्कत हुई थी और वो दिक्कत ये थी कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था वो क्लियर नहीं हो पाया था. अब ये बड़ी दिक्कत हो जाती है. लास्ट ईयर दिया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ नहीं, अब इस बार फॉर्म फिल करें या ना करें, ये बड़ा क्वेश्चन होता है. क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि नाबार्ड एक बार अगर किसी भी स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और मेंस वो दे दे, भले ही फिर उसके बाद मेंस में हो या फिर इंटरव्यू में या फिर फाइनल ओवरऑल में बाहर आप हो जाए, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ. बट जिस स्टूडेंट का नाबार्ड का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा ना, अगर उसने बहुत मेहनत भी की थी तो वो डाउट तो मन में जरूर उठता है. बट ऐसे डाउट की उठने के पहले और उसमें अपने आप को दोष देने से पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है, वो आज हम समझेंगे. ओके, तो सबसे पहले कारणों को समझना जरूरी है और क्या आगे हो सकता है ये देखेंगे. तो सबसे पहले ये देखना है कि अगर मान लीजिए आपने 2023 में एग्जामिनेशन दिया था तो सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जो प्रीलिम्स था वो क्लियर नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है. तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन लेवल डिफिकल्ट था. अब जब एग्जामिनेशन लेवल डिफिकल्ट था तो डेफिनेटली वो डिफिकल्टी हाई थी. हो सकता है कि आपके फेवर में ना रहा हो, अदरवाइज तो कई बार ऐसा होता है कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा वो आया हमारा सही और जो हमने छोड़ा वही क्वेश्चन आया वो हमारा गलत, ये भी हो जाता है. अब क्या कर सकते हैं उसमें, कुछ चीजें हम कह सकते हैं कि डेस्टिनेड होती है, बट ओवरऑल ये भी आपको समझना है कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन लेवल डिफिकल्ट था. अगर ऐसे में नहीं हुआ तो सिंपल सी बात यह है कि डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. अब ऐसा क्या था लास्ट ईयर कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, आप देखेंगे ये डिफिकल्टी लेवल के फॉर्म में मैंने इसको अरेंज किया है. सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लास्ट ईयर ESI था, फिर ARD था, फिर डिसीजन मेकिंग था, और अगर हम बाकी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स में बात करेंगे तो रीजनिंग सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था. डिसीजन मेकिंग तो उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट कट ऑफ एक बड़ा इसमें कंसर्न रहता है. और सबसे बड़ा रीजन क्या होता है ना, बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं लास्ट के एक या दो दिन, और वो भी किस पे डिपेंडेंट होते हैं कि कोई भी 100 क्वेश्चन का PDF दे देगा. तो मैं आपको सही बताऊं, जो आज के दिन में एग्जाम न क्लियर करने के रीजन ना बहुत सारे ये यूट्यूब के मैराथन भी हैं, क्योंकि यूट्यूब के मैराथन के चक्कर में हमको लगता है कि हम लास्ट में ये 100,000 10,000 है ना, अभी इस बार आप देखिएगा 1,00,000 क्वेश्चन सॉल्व करा देगा कोई, हमको लगता है कि ये करके हम चले जाएंगे. बट होता क्या है, जब आप मैराथन देख रहे हैं ना उस समय क्या होता है, आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, आंसर ऑप्शन था, आपको आंसर समझ आ गया, बट वो ना बहुत थोड़े टाइम के लिए आपको समझ आता है. आप इवन उस मैराथन के बंद करते ही अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, आप उसको गलत करेंगे. वो तो उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिनको रिवाइज करना है, तो रिवीजन करने के लिए वो अच्छा हो सकता है. बट ये नहीं कि डिसीजन मेकिंग लास्ट के एक दो दिन के लिए रखा था और वो भी 100 क्वेश्चन पे सोच के चले गए, तो गड़बड़ हो जाती है. क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे, मैं सिंपल एक बात बताऊं आपको, वहां पे एक टॉपिक होता है बायसेस इन डिसीजन मेकिंग, या फिर आप देखेंगे मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट में बायसेस जो होते हैं, इतने टाइप के बायसेस होते हैं. अगर आपको नहीं डेफिनेशन क्लियरली पता ना तो आप सब में कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इसलिए ये ध्यान रखना होता है कि हमको पढ़ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ता है, रिवीजन के लिए ये चीजें करनी है, अदरवाइज तो ये सारी चीजें हमको स्पॉइल ही करती हैं. अब अगर हम लास्ट टाइम का देखें एक बार, कट ऑफ क्या क्या थी, तो रीजनिंग लास्ट ईयर डिफिकल्ट था, 3 मार्क्स था, क्वांट्स उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट इसी कट ऑफ भी 3 मार्क्स गई थी. डिसीजन मेकिंग जो है ये कंसिस्टेंटली 1.5 और 1.25 पे है, और बच्चे पढ़ के भी नहीं जाते इतना होने के बाद भी. ESI लास्ट ईयर डिफिकल्ट था, उसमें कोई डाउट नहीं है. 2022 में भी डिफिकल्ट था, और इसका डिफिकल्टी लेवल हम कह सकते हैं कि हर बार थोड़ा सा ज्यादा ही डिफिकल्ट रहता है. ARD भी लास्ट ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट था. तो अगेन नहीं हुआ तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि यार जब हम वो जो कहते हैं ना, हमारी कश्ती भी वहीं डूबी, यहाँ पानी कम था, तो वैसी कोई चीज भी हो सकती है. बट आपको ओवरऑल ये समझना है कि आपने उसमें कितना हार्डवर्क किया था. ओके, सो ये चीजें हैं जिनकी वजह से एग्जाम क्लियर नहीं होता है. एग्जाम लेवल डेफिनेटली उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका नहीं होने का रीजन एग्जामिनेशन लेवल भी होता है कि हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसके आगे क्वेश्चन आया, अभी साइंटिफिक क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ गया, तो कितने साइंटिफिक क्वेश्चन पढ़ लेंगे, वो तो इस साल भी पॉसिबल नहीं है किसी के लिए पढ़ लेना. तो उसमें थोड़ा सा दुख नहीं मनाना है, ये समझना है कि अब हमारे पास ऑप्शन क्या है. एक ऑप्शन होता है कि भाई चेंज द डायरेक्शन, नाबार्ड मेरे टाइप का एग्जामिनेशन नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो. दूसरा होता है कि नाउ प्रिपेयर हार्ड एंड स्मार्ट फॉर 2024. और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नाबार्ड इज वर्क ऑफ स्मार्ट वर्क रादर देन द हार्ड वर्क, तो ये ज्यादा यहाँ पे चाहिए रादर देन की हार्ड वर्क. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि स्मार्ट वर्क करना है, 8 सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है,
ARDESI में भी बच्चे क्या करते हैं, कोई एक बुक लेके पढ़ना शुरू कर दिया, बट बुक से पढ़ाई हुई होगी नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे खासकर ESI में डायनामिक का बहुत बड़ा पार्ट है। स्कीम्स वगैरह आपने बहुत अच्छे से किए हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, रिपोर्ट्स वगैरह आपने किए हैं तो आपको अच्छे से फायदा होगा, तो इसलिए इसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये है स्मार्ट वर्क, राधर देन की वो लगे हैं कि अब कुछ बुक्स मिल गई पढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और टॉपिक और प्रीवियस ईयर पेपर के। अभी क्वेश्चन आता है कि सर प्रिपेयर करें कि नहीं करें, लास्ट ईयर प्रीलिम्स नहीं हुआ, मोटिवेशन आ नहीं रहा, या फिर उससे पहले मेंस तक गए थे लास्ट ईयर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो ये तो बड़ा चक्कर है कि अभी पिछली बार अगर हम इंटरव्यू तक भी गए तो इस बार प्रीलिम्स क्लियर होगा नहीं होगा। मैं तो आपको बताता हूँ सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इंटरेस्ट। हम कहते हैं ना हमेशा इफ वाई इज क्लियर देन हाउ विल बी इजी। अगर आपको क्यों का बहुत अच्छे से रीजन पता है ना, तो आपका कैसे करना है वो इजी होगा। ठीक है कि किसी को सक्सेस एक बार में मिलती है, किसी को दो बार में मिलती है, किसी को तीन बार में मिलती है, किसी को नहीं भी मिलती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट लाइफ इन चीजों पे ही नहीं अटकती है ना। एक बार नहीं मिली डेफिनेटली दूसरी बार प्रयास कीजिए, दूसरी बार नहीं मिली तीसरी बार प्रयास कीजिए, ठीक है तीसरी बार नहीं मिली तो चेंज कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि जीवन बस एक ही पे लगा दिया है ना, वो भी कोई जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे ये देखने की जरूरत है कि जब हम ये हमारे हमने एक बार दे दिया है, अब हम दोबारा देने जा रहे हैं, तो हम उस पर हजार बार सोचें और क्या कमियां रही थी, क्या मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आगे चले, ये जरूर होना चाहिए। सो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अब पीयर हो चुके हैं, मेरे को लगता है उनको जरूर एक बार और देना चाहिए। ग्रेजुएट्स जो है अभी जो ग्रेजुएशन में है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर टाइम है प्रिपेयर करने का, और सबसे बड़ी बात जो बैंकर्स हैं प्रोफेशनल्स हैं उनको देना चाहिए, क्यों आपका एक्सपीरियंस भी आपको हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपने जब एक एग्जामिनेशन क्लियर किया तो आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एग्रीकल्चर या GA या कंप्यूटर अवेयरनेस ये सारी चीज़ें अच्छी हैं ही, तो आपको कुछ ही चीज़ें पढ़नी है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इनमें किसी भी कैटेगरी में तो आप इजीली दे सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि इंटरेस्ट, व्हाई इज क्लियर देन हाउ विल बी इजी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड मंत्र टू प्रिपेयर इज सिंगल थिंग, दैट इज अ कंसिस्टेंसी। आई एम नॉट सेइंग कि स्टडी फॉर 10 आवर्स अ डे, बट इफ यू विल स्टडी इवन द 2 आवर टू 3 आवर अ डे, बट आप कंसिस्टेंट हैं, रेगुलरली यू आर फॉलोइंग द बीपीडिया, यू नो डेली रीडिंग द GA थिंग, और डेली आप ARD या फिर आप डेली कोई अपना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश डिसीजन मेकिंग या कंप्यूटर अवेयरनेस वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। अभी क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले यही चीज होती है, पूरी एनालिसिस हम लोगों ने यूट्यूब में भी किया, आप देख सकते हैं। आपको स्ट्रिक्ट रहना है सिलेबस पे, सिलेबस इज प्रोवाइडेड फॉर ARD एंड ESI, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट ऑफ RBI, तो अगर आप RBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो बच्चे RBI की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बेसिक लेवल का ही आता है, बैंकिंग लेवल भी आप प्रिपेयर कर रहे तो भी सफिशियंट है। And one more thing is start preparing now. Don't wait for the notification. मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अभी SEBI के नोटिफिकेशन का बच्चे वेट कर रहे थे, जबकि पता था कि वो मार्च में ही आ चुका है, बट फिर भी था कि पता नहीं कब आएगा। अब जब नोटिफिकेशन आ गया जून में, अब लग रहा है कि टाइम नहीं है। सेम चीज NABARD के साथ होगा, हर साल होता है, मैं तो बहुत साल से देख रहा हूँ, वही स्टूडेंट्स पूछते हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगा, जब नोटिफिकेशन आ जाता है उनका मैसेज होता है कि सर अब लग रहा है कि टाइम कम है, प्रिपेयर कैसे करें नेक्स्ट टाइम के लिए सोचते हैं। तो दिस इज ऑल You know what the escape tendency? हमारे यो 11th 12th क्लास में चैप्टर हुआ करता था ना थर्ड लेवल, तो वैसा ही कुछ है। तो इसलिए क्या करना है, अभी से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। ये सारी जो प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियोस हैं ये आप हमारे एग्री भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं, रेगुलरली हम आप वीडियोस भी बनाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी प्लान अभी हमने लेटेस्ट दिया है जिसको डाउनलोड आप कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और मैं ये आपको बताऊँ, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं ना वो वाकई में पढ़ाई करते हैं, और उनकी क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। उनके क्वेश्चन से होते हैं कि सर डायनेमिक में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जो टॉपिक है अगर हम LPG वाला ही टॉपिक लें, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कीपिंग द इन्फ्लेशन इन माइंड। अब देखो जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जो क्वेश्चन जो बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, अब आप ही समझ सकते हो कि दोनों में कितना डिफरेंस है। हो सकता है कि ये बच्चे को भी किसी दिन डाउट हो कि नोटिफिकेशन कब आएगा, बट ठीक है एक बार आप पूछ सकते हैं या फिर आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, बट ये नहीं कि बस वही चीजें देखते जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो प्रिपेयर वेल एंड प्रिपेयर स्मार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।